बता रहा हूँ एसेशन रीजन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। पहले बता चुके हैं, दोबारा एक बार बता रहा हूँ एसेशन रीजन वाले जो क्वेश्चन है ना वो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे एसेशन रीजन के बारे में। तो ये क्वेश्चन इस साल तो मैथ्स में भी आएंगे, हर सब्जेक्ट में आने वाले, ठीक है। तो मैं बताता हूँ होता क्या इसमें, ठीक है। बहुत बच्चों को पता भी होगा, बहुत को नहीं पता होगा। तो एसेशन एंड रीजन जी, तो इसमें ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास प्रेजेंट क्या होता है, तो आपको क्वेश्चन ऐसे दिया होता है, एक पहला स्टेटमेंट होता है जिसको असेशन बोला जाता है, दूसरा स्टेटमेंट होता है जिसको रीजन बोला जाता है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। एक असेशन होता है और एक क्या होता है रीजन। ऑप्शंस होते हैं ए बी सी डी, आपके चॉइसेस होती है, ठीक है। ए ऑप्शन कब सही होता है, जब असेशन सही हो और रीजन सही हो, पहले तो आर ट्रू, कोई दिक्कत तो नहीं है। और साथ ही साथ एंड जो असेस जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो किसकी, जो रीजन है आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो किसकी, असेशन करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो, एक्सप्लेनेशन हो असेशन, कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे एग्जांपल हम बोलते हैं कि अर्थ इज ब्लू इन कलर, ठीक है, स्काई इज ब्लू इन कलर, ठीक है, असेशन मान लो स्काई इज ब्लू इन कलर, सही बात है, स्काई ब्लू है कलर में। रीजन क्या दिया उसने, रीजन ऐसे करके बोलेगा ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, तो बिल्कुल सही बात है, रीजन बिल्कुल वैलिड है कि अर्थ मतलब जो स्काई है वो ब्लू क्यों है, किस रीजन की वजह से, जो कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सेशन रीजन आर करेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ए ऑप्शन पे आप टिक करते हैं। बी ऑप्शन कब सही होता है, अगर असेशन रीजन दोनों सही है लेकिन बट रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पा, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इसकी असेशन, असेशन उसका एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, उसने बोला जैसे आपका एक क्वेश्चन ही अभी यहाँ पर कुछ ऐसा करके बोला उसने कि हाँ स्काई इज ब्लू इन कलर, सिंपल सा, ठीक है। और बोल क्या रहा है इस बार उसने बोला कि हाँ कि देयर आर सेवन कलर्स प्रेजेंट इन अ डिस्पर्शन ऑफ लाइट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है कि सेवन कलर प्रेजेंट होते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, लेकिन कहीं से उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा वो चीज, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट क्या है सही है, लेकिन क्या उसको एक्सप्लेन कर पा रहे, बिल्कुल नहीं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, ठीक है। तब हम क्या बोलेंगे, तब कि असेशन रीजन ट्रू तो है लेकिन रीजन उसको करेंटली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब सी का होता है कि असेशन तो सही है लेकिन रीजन क्या है गलत, आर वाली स्टेटमेंट गलत, आर इज नॉट करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट। और डी ऑप्शन कब होता है, डी ऑप्शन कब होता है कि असेशन गलत है, इज रॉन्ग, आर इज करेक्ट, ये भी ऑप्शन होता है। तो आप क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले करेंगे क्या, ये बताता हूं आपको। पहले आप दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग पढ़िए, दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए, क्या दोनों स्टेटमेंट सही है पहले ये चेक करेंगे। अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो ये दोनों ऑप्शन तो गए, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन तो बोल ही सकते हो। फिर आप ये चेक करेंगे कि असेशन रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है असेशन को, अगर करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है तो ए ऑप्शन, अगर नहीं कर रहा है तो बी ऑप्शन, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर। इतना सा काम करना है, क्लियर, ठीक है। दोबारा सुनेंगे क्या क्या चार ऑप्शन है, ठीक है। पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन असेशन और रीजन होगा तो उनको अलग अलग पढ़ो, पहले असेशन को पढ़ो फिर रीजन को पढ़ो, अगर दोनों करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे क्या कर रहे सही है तो आप क्या ए और बी ऑप्शन की तरफ जाओगे, ठीक है। फिर आप क्या चेक करेंगे कि एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा, एक्सप्लेन लास्ट में चेक करिए, नोट करके कर जाएंगे।